बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने TIT कॉम्प्लेक्स परिसर में धरना प्रदर्शन किया। यहां पूर्व मंत्री एम कसावत, विधायक सचिन यादव ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और किसान अल्प वर्षा और अमानक खाद बीज के चलते कर्ज में डूबते जा रहे हैं। कोरोना के चलते जहां आम आदमी की आर्थिक स्थिति खराब है, वहीं सरकार महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। सरकार के खिलाफ जनाक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। रसोई के जहां बजट बिगड़ा, वहीं बेहताशा बिजली बिलों ने कमर तोड़ दी है। धरने को डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, विधायक रवि जोशी, केदार डाबर ने भी संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। सभी नीतियाँ हैं, कौन सा वर्ग है जो परेशान है, खास करके इस प्रदेश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर फैल रही है। जो डीजल और पेट्रोल के भाव है, जिसके कारण हर वस्तु आज महंगी हो गई है। जो गृहिणी है, उसका किचन, उसकी गैस की टंकी कितनी महंगी हो गई है। इसके साथ ही इस जिले के अंदर किसान आज बहुत त्रस्त है। कुछ क्षेत्रों में बहुत सूखा पड़ा है, कुछ क्षेत्रों में आप देख रहे हो कि बारिश हुआ है। इन सब को देखते हुए आज किसान की हालत इतनी दयनीय हो गई है, मजदूर की हालत इतनी दयनीय हो गई है, महंगाई चरम सीमा पर फैल रही है। इन सब को देखते हुए इशू जो आप पूछ रहे हैं, इसकी कोई कमी नहीं है। कौन सा वर्ग आज परेशान नहीं है, सारे वर्गों का सामूहिक रूप से हम लोगों ने आज सब एकत्रित हुए हैं और आज यहाँ पर इस गुंगी बहरी सरकार को, जो सो कॉल्ड हमारा शिवराज मामा है, जो स्वयंभू मामा बना हुआ है, उसको जगाने के लिए, उठाने के लिए शासन और प्रशासन को की नींद से उठो, धरातल पे आओ, लोगों की समस्याओं देखो सुनो, इसके लिए हम लोग आए। 27 तारीख को CM झेलने आ रहे हैं, कई करोड़ों रुपए की लागत के योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। सबसे बड़ा उदाहरण महेश्वर विधानसभा है। 2012-13 में जब उपचुनाव हुआ था, आप भी यहाँ के पत्रकार लोग हो, शिवराज मामा कितनी घोषणाएं करके गया, एक भी घोषणा मुझको बता दो कि वो पूरी हुई है। तो ये जुमलेबाजों की सरकार है, सिर्फ घोषणाओं में विश्वास रखते हैं, धरातल से इनका कोई विश्वास नहीं है। चुनाव है, उपचुनाव है, क्योंकि मतदाता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को जिताना है, इसलिए जुमलेबाजी करने जुमलेबाज आ रहा है जिन्ना के अंदर, और सिर्फ जुमलेबाजी करके जाएगा, धरातल पर कुछ नहीं। क्या ये मान लेगी खरगोन जिले की कांग्रेस अब एक ही मंच से आएगी? बिल्कुल, आप देख रहे हो कि खरगोन जिले की कांग्रेस एक मंच में खड़ी है। क्यों भाई? बिल्कुल सही बात। हमारे सम्मानित विधायक साथियों ने बार बार प्रशासन को, जो किसानों की जो समस्या है, उस किसानों की समस्या को लेकर आगाह किया, पत्रचार किया, ज्ञापन के माध्यम से भी सरकार और प्रशासन को जगाने का काम किया, लेकिन आज दिनांक तक जो किसानों की जो परेशानी है, जो समस्या है, उसका किसी प्रकार का निराकरण नहीं हो पाया। कई जिलों, कई जैसे कि आदरणीय हमारी दीदी ने कहा, कई जगह पर बारिश नहीं होने के कारण समस्या है, 3-3 बार बोनी हुई है। हमारी खरगोन विधानसभा की बात करें, हमारे जो 52 गाँव जो पाटीदार बेल्ट के हमारे जो गांव है, वहाँ पर लोगों ने 4-4 बार बोनी कर दी। कई हमारे ऐसे गांव हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर समय पर वर्षा नहीं होने के कारण जो पौधे की, फसल की ग्रोथ होनी चाहिए, वो ग्रोथ नहीं होनी हो पाई है। अब जब पानी आ रहा है, तो हमारे किसानों की, चाहे वो कपास की फसल हो, चाहे मिर्च की फसल हो, सोयाबीन की फसल तो लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। छोटी और जो फसलें हैं, वो छोटी फसलें भी जो हैं पूर्ण रूप से खराब हो चुकी है। लेकिन आज दिनांक तक सरकार ने हमारे किसान साथियों के, प्रशासन अमला जो है, किसानों के खेत पर पहुंच करके सर्वे शुरू करने का काम हुआ है। तो ये दर्शाता है कि आने वाले समय में भी जो सरकार है, वो किसानों को किसी प्रकार का उनकी जो समस्या है, उन समस्या का निराकरण करने का काम नहीं होने वाला है। क्या धरने के माध्यम से क्या सरकार से अपील करना चाहते हैं? देखिए, हम तो सरकार, सभी साथी हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि नींद से जागी है, आंखें बंद करके सोने का आपने काम बहुत कर लिया है। आज किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, नौजवान हो, छोटे व्यापारी हो, हर आदमी परेशान है। पेट्रोल डीजल की बात करें, रसोई गैस की बात कर लें, खाद्यान्न तेल की हम लोग बात कर लें, सभी चीज़ों के भाव जो है आसमान पहुंच चुके हैं। किसी प्रकार की राहत जो है आज दिनांक तक जो है सरकार के माध्यम से नहीं पहुँचाई गई है। तो हम सब साथी आज यहीं पर, यहाँ एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि अब तो नींद से जागो और अब तो कम से कम सरकार जो है आम जनता को, गरीबों को राहत देने का काम।
Subscribe now to most exciting channel ever.